तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि ट्रेन में बैठ जाएं, जाना कहाँ है ये अभी पता नहीं है। हेलो, मैं पहुंच गई हूँ अपने भैया को लेने मथुरा जंक्शन। ये देखो अभी मेरे भैया की ट्रेन आ चुकी है और बहुत जल्दी मेरे सामने आने वाली है। हम लोग पहली बार मिलने वाले हैं ना। हाँ, तो भैया भी बहुत खुश होने वाले क्योंकि हम लोग बता कर नहीं आए हैं कि उनको रिसीव करने के लिए आए हैं। तो चलिए अभी भैया से मिलवाते हैं आपको। देखो भैया आ गए, ये आ रहे, हमारे भैया मिल गए। ये देखो कितनी देर से ढूंढ रहे थे हम लोग, अब जाके मिले। मिल गए फाइनली हम। अब मैं मथुरा जंक्शन तो पहुंच गया लेकिन इससे आगे मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं मेरा कोई प्लान नहीं है। तो मेरी बहनों के अकॉर्डिंग वो मुझे जहाँ पर भी लेकर के जाएंगी मुझे जाना पड़ेगा। तो चलो फिर अब देखते हैं आज मेरे साथ क्या क्या होता है। अब जैसे ही मुझे पता चलता है मेरी प्यारी बहनों की ब्रज की 84 कोस की यात्रा चल रही है जिसका आज आखिरी दिन है, तो इस यात्रा में आज मैं भी शामिल होने वाला हूँ। अब महादेव जी के दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं सीधा घर पे और अब इनसे मिलो। ये है मेरे क्यूटेस्ट भांजा और भांजी। हमारी शक्लिया कितनी खूबसूरत है, देखो अब हम जाएंगे। क्या बात है, छोटी सी किशोरी मारे अंगना में डोलरी, जैसा नाच ऐसा करके छोटी सी वीडियो दो ना तुम्हारी। हम घूमकर तोड़ते रहते हैं, ऐसा करना, बिना उसके नहीं रहते। इधर नाच, संस्कृति तू भी नाच, जब नाचेगा वो हारे सब नाच। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोलरी, घूम घूम कर छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोलरी, मैंने वासे पूछी लाली कौन तेरा है गाँव रे नाचना, मैंने वासे पूछी लाली कौन तेरा है गाँव रे, हंस हंस के बतावे मुस्कुरा के बतावे गोकुल मेरा गाँव रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोलरी। अब मस्ती भरी शरारतें और ये डांस देखने के बाद हम निकल पड़ते हैं हनुमान धाम जहाँ पर ब्रज 84 कोस परिक्रमा की समाप्ति होगी और हवन आरती और भंडारे के साथ साथ होली भी खेली जाएगी। कुंकुमं कामनादिव्यं कामनी कामशंभव कुंकुमेन अर्चिता देवा प्रसीद परमेश्वर सिंदूरानुलेपनं समर्पयामि मेरे जीवन की जुड़े गई डोर किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, शिराधे तेरे चरणन में। बोल राधा रानी की जय। बाकी
हमारी बहनों की जय राधे जय जय श्री राधे। को याद दिलाऊं ऐसी होली तो खिलाऊं, दूध चटी को याद दिलाऊं सुन ले सांवरे, होली खेले तो अयो मोरे कांवरे, होली खेले तो अयो मोरे कांवरे, होली का बन फिरे खिलाड़ी देखूं तेरी होली, होली का बन फिरे खिलाड़ी देखूं तेरी होली, इतनी मार लगाऊं तो मैं जिसके बोरी बोरी, इतनी मार लगाऊं तो मैं जिसके बोरी बोरी, तो मैं ऐसा लठ बजाऊं, तो मैं ऐसा लठ बजाऊं, तेरी होली मैं छुड़वाऊं, तेरी होली मैं छुड़वाऊं, बड़ो तो चावरे होली खेले तो आयो मोरे गावरे, होली अब ब्रज 84 कोस परिक्रमा समाप्त होने के बाद हम चल पड़ते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि, जहां पर कंस की कारागार में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। कहां जा रहे हैं? जन्म श्री कृष्ण जन्म हमारे ब्रज की बात ही कुछ अलग है, भैया के साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि। मेरे भैया पंजाब से आए हैं, हमारी पहली बार मुलाकात हुई है, कैसा लग रहा है भैया आपको? बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा मजे आ रहे हैं, ब्रज का आनंद लेने, ब्रज की होली का आनंद लेने। इस जगह का हर एक पर्सन को एक्सपीरियंस करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल जगह है और बहुत ही कॉस्मिक एनर्जी भी है यहाँ पर, जब आओगे तो आपको फील होगा यहाँ पर, ऐसे आपको नहीं पता चलेगा वीडियो में क्या है क्या नहीं है, आकर के फील करोगे, वो एक अलग ही चीज़ है। पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल, शांति, एकदम सुकून, शांति सुकून, हमारे ब्रज की बात ही कुछ अलग है, कुछ निराली बातें हैं, श्री कृष्ण की महिमा है यहाँ, लोगों की श्रद्धा देखने को मिलेगी। फाइनली हम श्री कृष्ण जन्मभूमि के गेट पर पहुंच चुके हैं, ये देखिए यह है हमारे प्यारे श्री कृष्ण जन्मभूमि का गेट, यहाँ